और फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने एक बार फिर से राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का खुलासा करने का दावा किया है। इसके बाद राफेल डील में सुषेण गुप्ता की भूमिका को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि 4 अक्टूबर 2018 को ही सीबीआई को राफेल डील में भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिली थी, फिर भी सीबीआई ने इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि राफेल डील के लिए दसौ एविएशन ने सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को 2007 से 2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो दिए थे। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक सुषेण गुप्ता ने कहा था कि कई भारतीय अधिकारियों को भी दशा की ओर से पैसा दिया गया है। 2015 में जब राफेल डील आखिरी दौर में थी, तब रक्षा मंत्रालय से कुछ गोपनीय दस्तावेज भी हासिल किए गए थे। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारोबारी सुषेण गुप्ता का जिक्र किया और कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भी सुषेण का नाम सामने आया था।